नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 27 का वीडियो है जिसे कि आप देख रहे हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से शुरुआत होती है, हालांकि इसके बहुत सारे लेक्चर हमने पीछे भी देखे हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, चाहे पर्यावरण की परिभाषा हो या पारिस्थितिकी की परिभाषा हो या जितनी भी आधारभूत चीजें होती हैं, वो सब हमने देखी थी। गंगा एक्शन प्लान यहाँ देखना है आपको और ये कुछ पॉइंट्स में फैक्ट दे रखे हैं। सबसे पहले कोई भी एक्शन प्लान होता है तो उसका क्या महत्व है या किस वजह से उसको लाया गया, कब शुरू किया गया, ये सब जानना आवश्यक होता है। तो इसकी विशेषता ये है कि ये अपने तरीके की पहली नदी कार्य योजना थी। नदी के संबंध में एक पूरा एक्शन प्लान तैयार किया गया था जो कि 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा लाई गई। समय क्या था? 1985। इसका उद्देश्य था जल अवरोधन, डायवर्जन और घरेलू सीवेज के उपचार के द्वारा पानी की गुणवत्ता को सुधारना। पानी की गुणवत्ता को हर हाल में सुधारना और विशेष रूप से उस पानी की गुणवत्ता को जो कि नदियों के अंदर गिराया जा रहा है। तो इसके लिए जो सीवेज है, मतलब घरेलू सीवेज है, उसका उपचार करके पानी की गुणवत्ता को ठीक करना ताकि गंदगी जो है वो सीधे सीधे नदियों में न जाए। और जो औद्योगिक कचरा होता है उसमें भी एक वैरायटी ऐसी होती है, और ज़्यादातर औद्योगिक कचरा ऐसा ही होता है कि वो विषैला होता है, उसका कोई भी उपचार आसानी से संभव नहीं होता है, तो उसको गिरने ही ना देना, मतलब वो नदियों में न डाला जाए, इसको सुनिश्चित करना। यहाँ वही दिया हुआ है ना कि नदी में प्रवेश करने से रोकना, ये सब काम था गंगा एक्शन प्लान का। और राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण, ये क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए। जब आप गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके संरक्षण के उपायों को पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये जानना आवश्यक है। राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण, इसका गठन भारत सरकार के द्वारा ही किया जाता है वर्ष 2009 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की जो धारा थी, धारा 3, ठीक है, ये आप देखते हैं ना 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो उसकी धारा 3 के तहत इसको गठित किया गया था और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। जैसे आप देखते हैं ना नीति आयोग में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक वैसे ही इसने गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और ये किसके द्वारा किया गया, तो यही जो प्राधिकरण है इसके माध्यम से। वर्ष 2010 में सरकार के द्वारा सफाई अभियान को यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था कि वर्ष 2020 तक, मतलब 10 साल का बीच में पूरा अंतराल है, 2020 तक कोई भी अनुपचारित नगरपालिका सीवेज या औद्योगिक अपवाह नदी में प्रवेश न करे। तो ये नदियों के संरक्षण से जुड़ी हुई अलग अलग योजनाओं, अलग अलग जो कार्य योजनाएं थी उनके बारे में हम देख रहे हैं। इसके बाद वर्ष 2014 का समय आता है, नमामि गंगे कार्यक्रम, इसको राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण, मतलब राष्ट्रीय नदी है गंगा तो उनके संरक्षण और कायाकल्प तथा प्रदूषण के जितने भी प्रभावी उन्मूलन के उद्देश्य हैं, दोहरा उद्देश्य हो गया ना, एक तो संरक्षण हो गया, दूसरा कायाकल्प हो गया, तो इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक एकीकृत संरक्षण मिशन के रूप में शुरू किया गया। एकीकृत संरक्षण मिशन का मतलब ये है कि जितने भी पुराने मिशन थे उनको इसके अंदर डाल के इसको एक रूप बनाया गया। इसके साथ राष्ट्रीय गंगा परिषद है, तो इसकी स्थापना वर्ष 2016 में होती थी, मतलब हुई थी, ये बीते समय में हुई है। इसे इसने राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण को प्रतिस्थापित कर दिया। जितनी भी पुरानी संस्थाएं थी उनकी जगह पे कुछ नया लाया गया, तो राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण जो कि पीछे बन चुका था 2009 में, ध्यान दीजिएगा ये 2009 का है, ठीक है, तो उसकी जगह पे प्रतिस्थापित करके उसको इसे सब्स्टिट्यूट के तौर पे लाया गया। और इसने गंगा नदी के कायाकल्प संरक्षण और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यान्वयन परिषद के तौर पर काम किया, मतलब उस परिषद के तौर पर इसे जाना भी जाता है। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय कार्यान्वयन परिषद, जो कि गंगा नदी का कायाकल्प करेगी, उसका संरक्षण करेगी और उसके लिए जितने भी आवश्यक प्रबंध हैं वो सब करेगी। इसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करते हैं, तो स्वरूप लगभग वही है, बस थोड़ा सा उसका चेहरा चेंज किया गया। आगे देखें और क्या चीज़ें। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कोयला गैसीकरण, यहाँ आप देख रहे हैं। और कोयला गैसीकरण की जो प्रक्रिया होती है, ये जीवाश्म ईंधन को जलाने की बजाय रासायनिक रूप से जीवाश्म ईंधन को जो संश्लेषित प्राकृतिक गैस होती है उसमें कन्वर्ट करने का काम करती है। अगर सीधे सीधे आप जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो बहुत भारी मात्रा में प्रदूषण पैदा होता है। आप जानते हैं ना, फॉसिल फ्यूल एक तो सीमित मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा उनकी है नहीं, और जो कुछ भी है, जितना भी अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पर्यावरण को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। तो इसलिए यहाँ कोयले गैसीकरण की बात हो रही है। और इसके लिए जो SNG होता है, ठीक है, SNG का मतलब क्या है? सिंथेटिक नेचुरल गैस। उसमें इसके द्वारा जो अपशिष्ट निकलता है उसको बदल दिया जाता है।
मतलब रासायनिक रूप से दहन किया जाता है, सीधा सीधा उसका दहन नहीं होता है, जैसा कि जो हमारी कार या गाड़ियां होती हैं उनके इंजनों में होता है, उस टाइप का नहीं, रासायनिक रूप से इसे जलाया जाता है और उसके बाद जो संश्लेषित प्राकृतिक गैस उत्पन्न होती है उससे हम अलग काम करवाते हैं। तो इस तकनीक से सिन गैस इसका उत्पादन होता है, जो कि मुख्य रूप से मीथेन यानी CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसका रासायनिक सूत्र भी जानते रहिए, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प से युक्त एक मिश्रण होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिन गैस के अंदर कौन सा उत्पाद पाया जाता है, मतलब कौन कौन से उत्पाद पाए जाते हैं। कुछ कॉम्बिनेशन आपके सामने चार अलग अलग विकल्पों में दे देगा, अब उसमें से आपको सही वाले का चयन करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मीथेन होती है मुख्य रूप से और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, जलवाष्प भी होती है, इन सब का एक मिक्सचर होता है। सिन गैस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये इतनी सारी गैसों के मिलने से बनती है, यूज़ कहाँ होता है, तो उर्वरकों में होता है, ईंधन में होता है, विलायक और संश्लेषित सामग्री की एक लंबी श्रृंखला का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो ये यूजफुल है, ये देखकर मालूम हो रहा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत के उत्पादन के लिए होता है और रासायनिक कच्चे माल या उर्वरक के उत्पादन के लिए भी किया जाता है, ठीक है, बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है और कच्चा माल उर्वरक इत्यादि तैयार करने के लिए भी होती है। कोयला गैसीकरण यानी कोल गैसिफिकेशन का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके द्वारा उससे हाइड्रोजन प्राप्त होती है। तो हाइड्रोजन का उपयोग करते कैसे हैं, उसका भी विभिन्न उद्देश्यों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि अमोनिया बनाने के लिए यूज़ होता है, हाइड्रोजन ईंधन आधारित जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन काफ़ी स्वच्छ ईंधन माना जाता है, ठीक, हाइड्रोजन को अगर हम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये एक स्वच्छ ईंधन है, इससे कोई भी हानिकारक सब उत्पाद या सब प्रोडक्ट जो है वो जनरेट नहीं होता है। ज़्यादातर ईंधन ऐसे हैं जिनका कि इस्तेमाल हम करते हैं तो उसके जो अपशिष्ट निकलते हैं, जैसे कि धुआं हो गया या कोई भी पदार्थ हो गया, तो वो प्रकृति के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऐसा नहीं है, इसको स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। बस समस्या ये है कि ये लागत प्रभावी नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव न होने की वजह से ही इसका बड़े पैमाने पर अभी यूज़ नहीं किया जाता है। दुनिया का कोई भी देश इसे बहुत बड़े पैमाने पर अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, योजना भले ही हो, तो भारत के सामने तो और भी चुनौतियाँ हैं। तो फिलहाल यहाँ यह है कि हाइड्रोजन ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था को ये शक्ति देने का काम करेगा। कौन शक्ति देगा, कोल गैसिफिकेशन। भूमिगत कोयला गैसीकरण की विधि जो है वो कैसी होती है, यहाँ आप UCG को देख रहे हैं। तो कोयले को गैस में परिवर्तित करने की ये एक टेक्नोलॉजी है और इसमें चूंकि जैसा नाम है वैसा काम रहेगा, तो भूमिगत का मतलब यह है कि कोयला जमीन के अंदर होता है तो उसे गैस में वहीं पर बदल दिया जाता है, और इस प्रक्रिया से अंदर से हमें जो गैस है, जो अंदर ही गैस बनकर निकल कर आती है बाहर, उसको हम प्राप्त करते हैं, यानी कुएं के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। अंदर की चीज़ को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी में छेद करते हैं, और उसी तरह के लंबे लंबे छेदों को हम कुआं कहते हैं, चाहे पानी निकालना हो, चाहे तेल निकालना हो, चाहे गैस निकालनी हो, तो ये गैस के कुएं होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि जब हम किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चर्चा कर रहे होते हैं तो उसमें हम पीछे की जो स्थितियां हैं, पीछे कैसा इससे पहले का प्रोसेस अपनाया जाता था या पृष्ठभूमि क्या थी कुल मिलाकर, वो जानना चाहते हैं। तो वर्तमान में स्थिति ये है कि देश में यूरिया का उत्पादन प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करके किया जाता है, ठीक, यूरिया एक महत्वपूर्ण उर्वरक है और भी कामों में इस्तेमाल होता है, तो इसका उत्पादन कैसे करते हैं, प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करके करते हैं, जिसमें कि घरेलू प्राकृतिक गैस और आयातित जो लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस है, मतलब LNG, उन सबको शामिल किया जाता है। LNG का आयात बहुत महंगा पड़ता है, मतलब जो चीज़ महंगी पड़े और उसका इस्तेमाल हम बड़े पैमाने पर कर भी ना पाएं, जब महंगी रहेगी तो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना, तो आयात महंगा है, इसलिए इसमें बहुत सारी जो मूल्यवान विदेशी मुद्रा है वो खर्च करनी पड़ती है। अब इस तकनीक को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें देश में यूरिया और अन्य उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक स्वदेशी कच्चे माल का उपयोग हो जाता है, तो ये टेक्नोलॉजी इसलिए काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। अब आप देख लीजिए धारणीय विकास या सतत विकास को। तो धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में एक संवेदनशील विषय है। प्राकृतिक संसाधनों का हम ऐसा इस्तेमाल करें कि हमारे लिए भी वो पर्याप्त हो और आने वाली पीढ़ी को भी पोषण दे सके, और साथ में हम प्रकृति को भी संरक्षित रखकर चल सकें, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में, और दशकों नहीं बल्कि एक पूरी शताब्दी का जो दौर था, उसमें हमने बहुत भरपूर मात्रा में प्रकृति का दोहन किया है। शुरुआत होती है औद्योगिक क्रांति से, यानी आज से काफ़ी समय पहले की बात है, इंग्लैंड में ये समय शुरू होता है, और उसके बाद वो औद्योगिक क्रांति मशीनों का इजाद करती है। मशीनें जो है वो कच्चा माल खाती हैं और बदले में प्रोडक्शन करती हैं बेहिसाब, तो इससे यूरोप के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता है, बहुत सारे वो उपनिवेश बनाते हैं अलग अलग देश वहाँ के, जैसे कि ब्रिटेन है या और भी थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटेन की ही महत्वाकांक्षा थी, ठीक, तो ये अपने अपने उपनिवेश बनाते हैं, वहाँ से सस्ते दाम में या फिर मुफ्त का ही कच्चा माल उठाते हैं और अपनी मशीनों में डालते हैं तो सामान बन के आता है, तो ऐसे अंधाधुन कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। और ये जो कच्चा माल था ये असल में प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पाद ही तो था, प्रकृति को निचोड़ा गया। बाद में यही ढर्रा अपने देश में भी आ जाता है, मतलब एशिया में भी आ जाता है, यहाँ भी चलता है। बहुत लंबे समय के बाद हमें यह पता लगता है कि अपने इन्वायरमेंट को तो हमने तहस नहस कर डाला है और अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और जल्दी ही चुकानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आने वाली कुछ पीढ़ियाँ जो हैं झेलेंगी, हमें ही झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर संरक्षण के उपाय शुरू होते हैं, तो बहुत देर से शुरू होता है, हर जगह ही जो प्रयास शुरू होने की प्रक्रिया है उसमें बहुत देर हुई, और इसीलिए रिजल्ट आने में समय लगेगा और अभी हम भुगत रहे।
तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बीच में एक प्रयास है जिसकी वजह से जो जलवायु परिवर्तन एकदम से तेज रफ्तार में हो रहा है, दौड़ा हमारी तरफ चला आ रहा है जिसे कि धीमे धीमे होना था, तो उसको कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके। तो सतत विकास यानी जिसे आप SDG कहते हैं, सतत विकास लक्ष्य, ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये हैं क्या, इनके बारे में जान लीजिए। सतत विकास लक्ष्य ये संकेतक का एक नया सार्वभौमिक समूह है जिसे कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अगले 15 वर्षों में, 15 वर्ष का जो समय है मतलब जो डेडलाइन उसकी है वो 2030 में है, वहां तक अपनी एजेंडा और राजनीतिक नीतियों के कार्यान्वयन के जरिए प्राप्त करना चाहेंगे। आप जानते ही हैं कि ये 17 लक्ष्य हैं, 17वां तो इन सबको पूरी करने की प्रतिबद्धता है, लेकिन बाकी जो 16 हैं ये अलग अलग दिशाओं में सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। अब जितने भी देश इसमें हस्ताक्षर करते हैं उनकी ये प्रतिबद्धता है कि भाई 2030 तक, हालांकि 100% इसको कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता है जो बातें इसमें लिखी हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम हम अचीव करेंगे, ठीक। तो ये प्रतिबद्धता है। अब समस्या ये है कि बीच में तरह तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जो संकट हैं, जैसे कि वैश्विक स्तर पर इस समय बहुत तनाव चल रहा है, युद्ध की संभावनाएं, एक युद्ध तो हो ही रहा है वो तो आप साक्षात देख रहे हैं, और बहुत सारे युद्धों की संभावनाएं बन रही हैं और बहुत बड़ा विनाश सामने दिखाई दे रहा है, आर्थिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी, ईश्वर न करे हो लेकिन ये संभावनाएं दिख रही हैं, तो वो आशंका है। बाजार में मंदी का दौर चल रहा है, बड़े बड़े देश जो है वो मंदी के कगार पे खड़े हैं, अभी कोरोना महामारी से हम लोग उठकर खड़े नहीं हुए थे कि एक नई समस्या सामने, मतलब बीमारी से उठकर खड़े हुए तो अब आपस में लड़ने लगे, तो इस तरह की दिक्कतें जो है ना ये संसार को चैलेंज कर रही है। तो ऐसे में ये 17 लक्ष्य प्राप्त करना आसान एकदम नहीं है, और अभी चल रहा है 2022, 2030 तक ही इसे प्राप्त करना है, तो ये तो देखकर नहीं लगता है कि हम 100% अचीव कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप जो समय बचा है उसमें मैक्सिमम प्राप्त कर लें वही बहुत है। तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए SDG कब आते हैं, जब MDG का समापन होता है, जो सहस्राब्दी विकास लक्ष्य थे, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, वो जब समाप्त होते हैं तो उसके बाद 2015 में उनका समापन होता है, तो उसके बाद उन्हीं का अनुसरण करके आगे की एक पूरी नीति तैयार की जाती है और इनको लाया जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं यहाँ आप देख रहे हैं, इनमें 169 टारगेट हैं, ठीक, मतलब इनके साथ इन्हें तो इतना रखा ही गया है कि भाई 17 मोटे तौर पर आपको लक्ष्य दिए गए, बाकी 169 इसमें लक्ष्य हैं जिन्हें कि आप एक छोटा टारगेट कह सकते हैं, और 304 इसमें संकेतक हैं, ये सब जोड़े गए हैं साथ में सहयोग के तौर पे। तो कुल मिलाकर जो लक्ष्य हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। पहला लक्ष्य है कि हर जगह से अपने सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना, ये बहुत ही टेढ़ा लक्ष्य है, मतलब आसान नहीं है इसको प्राप्त करना, गरीबी एकदम से समाप्त हो जाए 2030 तक, उसका नामो निशान ना दिखे ऐसा नहीं हो सकता है, फिर भी मैक्सिमम प्राप्त करना। भुखमरी को समाप्त कर देना, कम करना नहीं समाप्त कर देना। खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना, और जो टिकाऊ कृषि है उसको बढ़ावा देना। हमारी कृषि अभी भी मौसम आधारित है, और दुनिया के ज़्यादातर देश अगर अमीर नहीं है, संसाधन वाले नहीं है, तो उनकी कृषि मौसम आधारित है। जिनके पास उपकरण है या संसाधन है उनको भी कुछ हद तक या एक बड़े हद तक मौसम पर निर्भर रहना ही है, क्योंकि कृषि जो है वो मौसम के सहयोग के बिना नहीं हो सकती है, ये ईमानदारी की बात है। तो टिकाऊ कृषि कैसे हो सकती है जब जलवायु इतनी तेज़ी से बदल रही है, तो ये भी एक टेढ़ा लक्ष्य है लेकिन फिलहाल है। स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना, ये लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 2015 के ही दौर के बाद, तो उस दौर में सब ठीक चल रहा था, लेकिन अभी कोरोना महामारी, उसके बाद एक के बाद एक नए वायरस आते जा रहे हैं, तो ऐसे में स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी चरणों में सभी के हित कार्यों को प्राथमिकता देना। समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना और सभी के लिए रोजगार योग्य कौशल सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। तो सरकार इस दिशा में काम कर रही है, मतलब हमारी जो शिक्षा नीति आई है नई वाली, और इसके साथ कौशल विकास के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो वो इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हाथ पैर मारा जा रहा है। इसके बाद 5वां जो लक्ष्य है वो है लैंगिक समानता हासिल करना, मतलब लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाना। तो ये तो दिख रहा है कि भाई महिला आबादी जो है वो बढ़ी है, अभी सेंसस की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन अगर आप नए सेंसस का डाटा देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि अपने देश में महिलाओं की आबादी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। लेकिन सिर्फ आबादी बढ़ाना ही उद्देश्य नहीं होता है, लैंगिक समानता का मतलब यह है कि बराबरी का दर्जा मिले, ना कोई 19 हो ना कोई 20 हो, सभी 20 हो सभी बराबर हो, तो वो बराबरी वाला स्तर अभी भी नहीं है, और सिर्फ भारत नहीं बल्कि एशिया के ज्यादातर देशों में यही स्थिति है। इसके बाद आप देख रहे हैं सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना। पानी तो ठीक से मिलता नहीं है, साफ पानी तो जाने दीजिए, ठीक है, बहुत कम ही जगह ऐसी हैं जहाँ स्वच्छ पेयजल अभी बचा है, नहीं तो ज़्यादातर जो भूमिगत जल का स्तर है वो दूषित हो चुका है। और इसके साथ आप देख रहे हैं कि सभी के लिए सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक सुनिश्चित पहुँच सुनिश्चित करना, मतलब जो टिकाऊ ऊर्जा है, टिकाऊ ऊर्जा का मतलब कि टिक सके, ऐसा ना हो कि उसके संसाधन इतने सीमित हो कि एक बड़ी आबादी अगर उस पर अपने आप को आश्रित करती है तो वो नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं, तो ऐसी सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा को उपलब्ध कराना, ये 7वां लक्ष्य था। 8वां लक्ष्य क्या था से आप बड़ा कर लीजिए, देखिए 8वां लक्ष्य क्या था, 8वां वाला था सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास उपलब्ध कराना, स्थायी और उत्पादक रोजगार और सभ्यता को बढ़ावा देना, ये सारे लक्ष्य थे।
लचीली संरचना का निर्माण करना, समावेशी टिकाऊ और औद्योगीकरण नवाचार को बढ़ावा देना। औद्योगीकरण से अभी भी हम हाथ पैर नहीं धो सकते हैं क्योंकि ये विकास का जरिया है। इंग्लैंड या जो यूरोपीय देश थे उनके पास ऐसा कोई शौक नहीं था कि वो प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते गए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, उद्योगों को बढ़ाया जिससे कि उन्हें बहुत फायदा हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन फायदा तो देता है, इसमें संदेह नहीं है, और फायदा हर मनुष्य को चाहिए, लेकिन ये जो फायदा था ये प्रकृति की कीमत पर था। तो अभी जो हम फायदा कमाएंगे वो कैसा होगा? वो प्रकृति के साथ चलकर होगा, क्योंकि विकास का सही तरीका यही है कि हम प्रकृति के साथ साथ चलें, ये नहीं कि प्रकृति को चीर कर उसकी कीमत पर हम विकास करें, वो करेंगे तो विनाश होगा। ठीक। और हमारा जो विकास का ढांचा है ये असल में पर्यावरण के मूल्य पर ही लिया गया है, मतलब पर्यावरण को हम इसमें मूल्य के तौर पर झोंकेंगे तो बदले में हमें ग्रोथ मिलेगी या डेवलपमेंट मिलेगा। तो ये एकदम से दो तरफा रास्ता है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ नीचे, देशों के बीच में और देशों के भीतर असमानताओं को कम करना, ये भी 17 लक्ष्यों में से एक है। 10वें नंबर पे आप देख रहे हैं, 11वें में देख रहे हैं कि शहरों और मानवीय बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित और लचीला तथा टिकाऊ बनाना। लचीले और टिकाऊ का मतलब ये नहीं कि वो रबर बैंड की तरह है कि खींचा और फिर छोड़ दिया तो टूटेगा नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि वो स्थायी रहें, किसी भी तरह की आपदा, किसी भी तरह की के प्राकृतिक संकट को झेल सकें या जो आर्थिक और सामाजिक दबाव है उसको झेल सकें, ये इसका मतलब। एक स्थायी खपत और उत्पादन आधारित जो पैटर्न है उसको सुनिश्चित करना, ये भी इसमें लक्ष्य में है 12वें नंबर पे। 13वां देखिए, जलवायु परिवर्तन और इसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, क्योंकि अभी नहीं किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी, वैसे ही देर हो चुकी है, लेकिन अब अगर इसमें प्रयास तेज गति से नहीं किया गया, जितना किया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है, तो अगर तेज गति से नहीं किया गया तो सब कुछ विनाश के कगार पे खड़ा हो जाएगा, विकास वहीं से खत्म हो जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, अब मानवीय क्रियाकलापों की वजह से उसकी रफ्तार बढ़ गई है, जो चीज़ 100 सालों में होनी चाहिए थी वो 10 सालों में हो रही है। तो अगर बदलाव तेज होगा तो अनुकूलन के लिए कम समय मिलेगा, जो जीव जातियाँ हैं वो इसके लिए तैयार नहीं हो पाएंगी। कोई भी बदलाव आपके जीवन में धीरे धीरे होता है तो आप उसे महसूस भी नहीं कर पाते और उसके हिसाब से ढल जाते हैं, लेकिन एक झटके में हो जाता है तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, अब या तो आप उसे छोड़कर भाग जाएंगे, और चूंकि ये बदलाव प्रकृति कर रही है तो आप छोड़कर नहीं भाग सकते, जीवन छोड़ देंगे अपना, मतलब मारे जाएंगे। तो ऐसी प्रक्रिया हो सकती है, ये एक डर है जो कि सही है। इसके साथ साथ समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और निरंतर इस्तेमाल करना, अभी हिंद महासागर में खनिज का भंडार खोजा गया, अब हिंद महासागर को भी चैन से नहीं रहने देंगे, इतनी सारी जीव संपदा और अलग अलग प्राकृतिक संपदाओं का ये भंडार है और इसको भी अब खो देंगे, अंदर से खनिज निकालेंगे, तो ये विनाश का ही रास्ता है और कुछ नहीं है। तो यहाँ वही है कि समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना और निरंतर उपयोग करना, तो उपयोग करिए लेकिन उपयोग भी इस हद तक जाकर नहीं करना है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्थायी उपयोग की रक्षा करना और पुनर्स्थापना और उसको बढ़ावा देना, मतलब पुनर्स्थापना को बढ़ावा देना, अनवरत प्रबंधित वन और मरुस्थलीकरण इत्यादि को, मतलब जो ये जो गतिविधियाँ हो रही हैं, मरुस्थलीकरण की जो गतिविधियाँ हो रही हैं या जो वनों को काटा जा रहा है उसको नियंत्रित करना। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि स्थायी विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी को न्याय प्रदान करना और जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना, कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना। अब यहाँ देखिए जो 17वां लक्ष्य है, ये तो 16वां हमने देखा था, 17वां लक्ष्य क्या करता है, ये बताता है कि कार्यान्वयन के जो साधन हैं उनको मजबूत किया जाए, जितने भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने की दिशा में जो साधन हम अपना कर उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं उसको मजबूत करें और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करें। तो ये थे 17 सतत विकास लक्ष्य जिन्हें कि हमें 2030 तक अचीव करना है। यहाँ आप इन्हें बकायदा चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, ये रंग बिरंगा चित्र आप जानते ही हैं, बहुत बार आपने देखा होगा, यहाँ भी देख लीजिए। देखिए पहला वाला, नो पुअर्टी, गरीबी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि गरीबी को कम करना, गरीबी को मिटाना। जीरो हंगर, भूखमरी जो है उसको एकदम से समाप्त करना। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अब स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना। इसके साथ क्वालिटी एजुकेशन, ये किताब और कलम आपको दिखाई दे रही है। और क्या है, जेंडर इक्वलिटी, मतलब लैंगिक समानता। इसके साथ साथ जो और चीज़ें हैं जैसे कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात की गई है, ये 6वां लक्ष्य है आपका। 7वें नंबर पे अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की बात की जा रही है, ऐसी ऊर्जा जो कि सबकी पहुँच में हो। और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ बनाना, क्योंकि अर्थ के अभाव में कुछ नहीं हो सकता है। इंडस्ट्री इनोवेशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना, इनोवेटिव चीज़ों को हम अपनाएंगे तो उससे हम इंडस्ट्री को भी डेवलप कर सकते हैं और जितना भी विकास है उसको तेज गति से कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इनइक्वलिटी है उसको रिड्यूस करना, अब एकदम से खत्म करने की बात नहीं की गई है लेकिन रिड्यूस करने की बात यहाँ पर 10वें लक्ष्य में की जा रही है। 11वें लक्ष्य में ये कहा गया है कि जो सस्टेनेबल सिटीज़ हैं उनका विकास किया जाए और इसी तरह की कम्युनिटीज़ को डेवलप किया जाए, साथ में रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन इसको बढ़ावा देना, और क्लाइमेट एक्शन, अब क्लाइमेट जो तेज़ी से चेंज हो रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए, हम बदलाव को रोक नहीं सकते हैं लेकिन धीमा कर सकते हैं, तो उसको नियंत्रित करने के लिए एक्शन है। और लाइफ बिलो वाटर, पानी के अंदर जो जीवन है उसके बारे में भी सोचिए,
आपने उसे भी तबाह करके रखा हुआ है। इसके बाद पीस, जस्टिस और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस जो है उनकी स्थापना होनी चाहिए, मतलब हर क्षेत्र में जो इंस्टीट्यूशन है उनकी मजबूती होनी चाहिए, वो सुदृढ़ होने चाहिए। साथ में पार्टनरशिप और गोल्स, अब ये जो 17वां लक्ष्य है ना, ये पूरक लक्ष्य कहा जा सकता है, मूल रूप से इनकी संख्या 16 ही है। 17वें वाले में इनको करने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है और इस बात पर विचार किया गया है कि इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें तो हमने कही हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन इनको प्राप्त कैसे करेंगे, क्योंकि हर देश की क्षमता एक बराबर नहीं है। अब अमेरिका जैसी कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, ये ईमानदारी की बात है। तो अमेरिका जिन संसाधनों का इस्तेमाल करेगा निश्चित तौर पर हम नहीं कर सकते, हम चाहे तो भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो है उससे हम कैसे इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, हर देश की अपनी खूबी होती है, कमी होती है तो अच्छाई भी होती है। तो अपने पास जो चीज़ें हैं उनको हम इस्तेमाल करके इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन चीज़ों पर विचार करना। तो इतना हमने देखा, अब यहाँ से मोड चेंज कर देते हैं और देखते हैं कला और संस्कृति को। और कला और संस्कृति में जो यहाँ आप देखने वाले हैं ना, ये कढ़ाई है, ठीक है, कढ़ाई को हम देखेंगे और कहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है, मतलब कहाँ की ये मूल विशेषता है उसको देखेंगे। साथ में इसका जो ब्यौरा है, इसकी विशेषताएं हैं, कुछ खास बातें उसको देखेंगे। सबसे पहले है चिकनकारी। चिकन जो है ये लखनऊ का है, यहाँ मुर्गे की बात नहीं हो रही है, यहाँ कपड़े पर जो कढ़ाई की जाती है उसकी बात हो रही है। इसमें होता क्या है, पहले तो एक ब्लॉक छपाई वाली टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, मतलब कपड़े पर ठप्पा लगाया जाता है, अलग अलग डिज़ाइन, जैसा फूल काटना है, जैसी पत्ती बनानी है, जो कुछ भी बनाना है उसका एक छपाई कर दिया जाता है, और छपाई को ही आधार बना के उस पर टांके लगाए जाते हैं, जैसे कि बखिया की जाती है ना, हाथ से बखिया की जाती है सुई लेकर, तो ठीक वैसे ही उस पर टांके लगाए जाते हैं। और यही टांके वाली जो कढ़ाई है इसको लखनवी चिकन की कढ़ाई कहा जाता है। और छपाई का निशान हटाने के लिए जब कपड़ा तैयार हो जाता है काटकर, तो उसको धोया जाता है। इसके बाद है कांथा। कांथा एक कढ़ाई का नाम है और ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों ही हिस्सों में प्रचलित है। इसको करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले धागे को आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े के किनारों के धागे से लिया जाता है, मतलब किनारा जो कपड़े का होता है वहीं से धागा निकाला जाता है और कहीं से नहीं। और इसमें अलग अलग रूपांकन किए जाते हैं। फुलकारी जो है वो पंजाब की है, पुष्पीय रूपांकन किए जाते हैं और हल्के रंग के कपड़े पर चमकीले रंग का जो विषम कढ़ाई किया जाता है वो यहाँ काफ़ी आकर्षक होता है। टांके कपड़े के विपरीत पक्ष में लगाए जाते हैं, ये इसकी विशेषता है। इसके बाद बाग है, ये भी पंजाब का है, फुलकारी की तरह से ही होता है लेकिन इसमें पूरी सतह जो कपड़े की होती है उसको काढ़ा जाता है, ये फुल कढ़ाई होती है। जरदोजी उत्तर प्रदेश की है, इसमें तारों का इस्तेमाल होता है। और तार कैसे होते हैं, तो ये धात्विक तार होते हैं, जैसे कि सोना चांदी और तांबा। अब ऐसा नहीं है कि सोने का तार लेकर उसी से काटने लगे, वो संभव नहीं है। उसको मजबूत बनाने के लिए, स्थिर बनाने के लिए उसके साथ रेशम को मिलाया जाता है, मतलब कुछ मात्रा में सोने का तार होता है और कुछ जो है वो रेशम के सूत होते हैं, दोनों को आपस में मिलाकर पूरा जाता है और फिर जो धागा तैयार होता है उससे इसकी कढ़ाई की जाती है। कशीदाकारी जम्मू कश्मीर की है, इसमें फूल पत्ती काढ़ी जाती है, चैन स्टिच का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ऐसे ऐसे इस तरीके से, ठीक। और मानव और पशु आकृतियाँ सामान्य रूप से इसमें नहीं पाई जाती, इसमें फूल पत्ती जो है वो काढ़ा जाता है। और भी है, आरी है, आरी जो है वो गुजरात का है, ठीक है। लंबी हुक युक्त सुई होती है जिसको कि क्रोशिया कहा जाता है, क्रोशिया आप जानते हैं ना, ऐसे होती है। और इस क्रोशिया का इस्तेमाल करके टांके वाली जो संरचनाएं हैं वो बनाई जाती हैं। क्रोशिया से आप जब बुनते हैं ना, ऊन लेकर बुनाई करते हैं, तो पहले क्या है, लूप बनाते हैं, और लूप बनाकर उसी को बेस बनाकर उसी के आधार पर ऊपर जो कढ़ाई है या फिर बिनावट है कुछ क्रोशिया की उसको करते हैं। जैसे सिलाई से आप फंदे डालते हैं और उसके बाद कोई स्वेटर बुनना शुरू करते हैं, तो क्रोशिया में वो फंदे या लूप जो है वो तैयार होते हैं और उनको हाथ से भी बनाया जा सकता है, एक चेन जैसा, और क्रोशिया से भी बनाया जा सकता है और उसके ऊपर आप बीनते हैं, है ना। तो वैसा जो छल्लेदार या एक हुक नुमा या वलय नुमा संरचना है उसका इस्तेमाल करके इसमें फूल या पत्तियां काढ़ी जाती हैं, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, उतने को ही हम कढ़ाई के तौर पर इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन इस्तेमाल क्या होता है, पतली क्रोशिया। शीशे का काम ये राजस्थान और गुजरात का है, इसमें कढ़ाई की जाती है, कढ़ाई के बीच बीच में छोटे छोटे मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। ये अलग अलग माप और आकार के होते हैं, कुछ तिकोने होते हैं, कुछ षटकोण होते हैं, कुछ गोलाकार होते हैं, चौकोर होते हैं, शीशे के टुकड़े इस्तेमाल होते हैं जो कि रंग बिरंगी कढ़ाइयों के बीच में फंसा दिए जाते हैं। इसके बाद धारणियाँ हैं। धारणियाँ जो है वो भी गुजरात की है और घरों में इस्तेमाल की जाने वाली कढ़ाई युक्त ये दीवार की हैंगिंग होती है, मतलब वॉल हैंगिंग होती है। वॉल हैंगिंग आप बनाते हैं ना, बहुत से तरीकों से बनती है, तो उसमें से ये भी एक तरीका है। ये कोई कपड़े पर की जाने वाली कढ़ाई नहीं है, बल्कि ये दीवार की सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है। उसके बाद है हीर, ठीक है। हीर जो है ये गुजरात का है, रेशम से बनाए गए मोटे ज्यामिति पैटर्न इसमें होते हैं। गोटा जो है ये राजस्थान का है, सोने की जरी के फीते होते हैं, उसके छोटे टुकड़े कपड़ों पर लगा दिए जाते हैं जिनके किनारे पर बहुत बड़ा पैटर्न बना होता है और उसी के साथ इन्हें सिल दिया जाता है, तो ये ऊपर से पैच वर्क जैसा होता है। अच्छीदा ये बिहार का है, ये बाघ के समान होता है, बाघ को आपने पीछे देखा था ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। कसूती कढ़ाई कर्नाटक की होती है और इसमें एक ही थ्रेड, एक ही धागा जो है वो यूज़ होता है और इस कपड़े पर प्रत्येक धागे की गिनती की जाती है, गिना जाता है उसको। पैटर्न के टांके बिना गांठों के लगाए जाते हैं ताकि कपड़े के दोनों पक्ष एक जैसे दिखाई दें, तो इसे आप अगर उल्टा भी पहन लेते हैं तो मालूम नहीं होगा, सीधा उल्टा बराबर होता है। रबारी जो है वो गुजरात की है,
गुजरात गुजरात में जो रबारी जनजाति है उसके द्वारा कढ़ाईदार ये पशुओं की सजावट इसमें होती है। शामिलामी को देख लीजिए, ये मणिपुर का है, इसमें बुनाई और कढ़ाई दोनों मिक्स होती है। फूल पत्ती का काम अलीगढ़ का है, उत्तर प्रदेश का, फूल की पंखुड़ियों और पत्तियों का रूपांकन इसमें होता है। और टोडा, ये नाम जो है ना, ये टोडा जनजाति से ही पड़ा हुआ है, ये तमिलनाडु की जो जनजाति है टोडा, वहाँ से, मतलब उन्हीं के द्वारा किया जाता है। कांथा के समान इसका भी पूरा जो कढ़ाई का काम है वो दिखाई देता है। अब मिट्टी के बर्तनों को देख लीजिए, मिट्टी के बर्तनों के नाम दिए हैं, उत्पत्ति का स्थान दिया है और कुछ विशेषताएं हैं जो कि दे रखी हैं। तो खुरजा मृद भांड, ये उत्तर प्रदेश का है, रंगीन और मजबूत होता है, घरेलू इस्तेमाल में होता है, मतलब घरेलू यूज़ के लिए इसको लिया जाता है। काले मिट्टी के बर्तन ये आजमगढ़ के हैं, यूपी में ही, और इनका गहरा रंग इनकी विशेषता होती है, ठीक है, गहरे रंग की वजह से ये जाने जाते हैं। नीले मृद भांड जो है वो जयपुर राजस्थान के हैं, मुल्तानी मिट्टी से ये बने होते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते। कागजी मृद भांड अलवर के होते हैं, ये भी काफ़ी कोमल होते हैं, पतले होते हैं और भंगुर होते हैं, कमज़ोर होते हैं। पोखरण, ये पोखरण के ही है, पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए फेमस है और घरेलू वस्तुओं को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। डलगेट मृद भांड, ये जम्मू कश्मीर का है और शीशे के आवरण का ऊपर से इसमें इस्तेमाल किया जाता है। कारीगरी मृद भांड, ये तमिलनाडु का है और दक्षिण अरकाट में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर ये विशेष तौर पर होता है, मतलब बनाया जाता है। सुराही जो है, सुराही कला, ये पश्चिम बंगाल की है, इसमें जगवेयर बनाए जाते हैं, यानी सुराहियाँ अलग अलग आकृति की बनाई जाती हैं जिसमें कि पानी रखा जाता है। इसके बाद है काले मृदभांड, तो काले मृदभांड ये आपने ऊपर भी देखा था, ये मणिपुर के हैं, अखरूल के, शीशे के आवरण में विशेष काले रंग से इनका गढ़न होता है। गोपी चंदन, ये सौराष्ट्र का है, मिट्टी से बनी हुई कलाकृतियां इसमें पाई जाती। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लीजिए, तो भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषियों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि कृषि में झूम दिया है, ये उत्तर पूर्वी भारत की है। बीवर और डढ़ियार, ये बुंदेलखंड संभाग की है, मध्य प्रदेश में। दीपा जो है वो बस्तर जिला छत्तीसगढ़ की है और जारा और एरका दक्षिण भारतीय राज्य की है। बालरे या वाल्टरे इसको कहा जाता है, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान की है। पोडू या पेंडा ये आंध्र की है। कुमारी जो है वो केरल के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब वहाँ पे होती है। ये सब स्थानांतरित कृषियों के नाम है, तो एक जगह खेती की, जमीन बंजर हो गई तो उस जगह को छोड़ा और दूसरी जगह जंगल काटा, वहाँ पे बीज बो दिए, ऐसे होता है। तो ये नुकसानदेह होती है, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत हानिकारक है। आप देखते हैं ना, पूर्वोत्तर में निर्वनीकरण का मूल कारण यही है। अब इसके बाद है पामा धावी कोमन, या फिर इसको ब्रिंगा और धावी कहा जाता है, ये ओडिशा में काफ़ी प्रचलित है। खिल जो है ये हिमालयन बेल्ट में होती है और कुरुआ जो है ये झारखंड में होती है। ये सब स्थानांतरित कृषियों के नाम भारत के संदर्भ में है। अब कृषि के भी अलग अलग विधाएं हैं, किस चीज़ की खेती आप कर रहे हैं या किस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, तो अलग अलग कल्चर के नाम से इसको यहाँ दिया हुआ है और ये पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि विटी कल्चर का संबंध है, अब किस चीज़ से संबंध है, तो आप बताएंगे कि अंगूर की खेती से संबंध है, नीचे विकल्प में से आपको चुनना होगा। तो पहला यही है विटीकल्चर, आप देखें एक तरफ कृषि का प्रकार दिया है, दूसरी तरफ उससे संबंधित उत्पादन दिया है। विटीकल्चर का प्रयोग अंगूरों की खेती में होता है और पिसीकल्चर जो है ये मछली पालन में, मतलब विटीकल्चर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, अंगूर उगाते हैं और पिसीकल्चर जो है इसमें मछली पाली जाती है। सेरीकल्चर में रेशम का कीड़ा पाला जाता है और रेशम का उत्पादन किया जाता है, शहतूत के पेड़ पर मलबरी रेशम जो होता है उस संदर्भ में रेशम कीट का पालन होता है और रेशम का उत्पादन होता है। इसके बाद है हार्टिकल्चर, फलों का उत्पादन होता है। ओलिवी कल्चर जो है इसमें जैतून उगाया जाता है, ओलिव से तात्पर्य है। इसके बाद है अर्बोरी कल्चर, इसमें वृक्षों और झाड़ियों की कृषि की जाती है। एपिकल्चर में मधुमक्खी पाली जाती है। फ्लोरी कल्चर में फूल उगाए जाते हैं। सिल्वी कल्चर में वनों के संरक्षण और संवर्धन की प्रक्रिया की जाती है। वेजी कल्चर जो है इसमें जितनी भी आदिम पद्धतियां हैं, पुराने समय में जिस विधि से हम लोग खेती करते थे, मनुष्य खेती करता था, उसका इस्तेमाल करके अच्छा खासा उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं नेमरी कल्चर, आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें कि कंद मूल फल का संग्रहण किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो इसमें बोने से ज़्यादा संग्रहण पर ध्यान दिया जाता है। साथ में है ओलरी कल्चर, जमीन पर फैलने वाली जो सब्जियां होती हैं लतायुक्त, उनकी ये व्यवसायिक कृषि होती है। बाकी मेरी कल्चर को आप देख रहे हैं, ये रहा मेरी कल्चर में मैरिन लाइफ जो है, समुद्री जीव, वहाँ के जितने भी जीव हैं, जलीय जीव हैं, उनसे उत्पादन किया जाता है, उनसे फायदा प्राप्त किया जाता है। हार्सी कल्चर में घोड़े और खच्चर पाले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा घोड़े और खच्चर दोनों। वर्मी कल्चर में केचुआ पाला जाता है। मोरी कल्चर में शहतूत की खेती की जाती है। एरोपोनिक्स जो है ये पौधों को हवा में उगाने की विधि है, मतलब बिना मिट्टी के। पोमोलॉजी जो है इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। अब विभिन्न क्रांतियां और उनके संबंधित जो फसल या क्षेत्र हैं उनको देख लीजिए। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं, मतलब ऐसे टेबल यहाँ बनी हुई है जिनसे कि ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। भूरी क्रांति को आप देख रहे हैं, ये गैर परंपरागत ऊर्जा और उर्वरक उत्पादन से जुड़ा हुआ है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस के उत्पादन से होता है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। सदाबहार हरित क्रांति जो है ये कृषि के उत्पादन को दोगुना करने और टिकाऊ कृषि पर ध्यान देने के लिए बनाई गई है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है।
इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध फसल उत्पादन में विभिन्नता लाने से है, एक तरफा कृषि नहीं करना, बहुत सारी तरह के खेती करना, प्रोडक्ट उत्पन्न करना। इसके बाद है अमृत क्रांति, तो ये नदियों को जोड़ने की योजना है। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल के उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के पालन से और उत्पादन से जुड़ी हुई है। और आप देख रहे हैं नीचे पीली क्रांति, पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से। और भी है इसके साथ, हरित क्रांति को आप जानते हैं, तो ओवरऑल जो टोटल ग्रेन प्रोडक्शन है उस पर इसमें ध्यान दिया गया, लेकिन इसको गेहूं क्रांति कहा गया। उसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा गेहूं को मिला, गेहूं की बेहिसाब पैदावार हुई, बाकी फसलें उसके पीछे दब गई। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अब कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उनको देख लीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं संस्थान दिया है और इधर देश का नाम दिया है, खाद्य और कृषि संगठन, जिसे कि आप FAO कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो रोम में है, इटली में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO इसका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान Washington DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान ये अबादान नाइजीरिया में है। अब नीचे आप भौगोलिक दशाओं को देख लीजिए कि कौन सी फसल का मूल जन्म स्थान क्या है, वो किस जलवायु में पैदा हो सकता है, तापमान कितना चाहिए होता है, वर्षा और मिट्टी की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो नीचे शुरुआत होती है धान की फसल से। तो धान को आप भी जानते हैं कि इसे जो उमस वाली जलवायु है वो पसंद होती है, जिसमें कि नमी की मात्रा हो और गर्मी हो, साथ में खूब पानी की आवश्यकता होती है। मूल स्थान इसका इंडो चाइना ही है, ये कोई विलायती नहीं है। और उष्ण आद्र जो जलवायु है, उष्ण का मतलब गर्म और आद्र मतलब नमी युक्त, तो ऐसी जो उष्ण आद्र जलवायु है वो इसको चाहिए होती है। तापमान की जो स्थिति है, बहुत ज़्यादा उच्च तापमान भी नहीं, बहुत निम्न भी नहीं, 20 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस इसके लिए आदर्श माना जाता है। और वर्षा इसे 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही चाहिए होती है, जितनी ज़्यादा मिल जाए उतना अच्छा। बस ये है कि जब ये पक जाती है इसकी फसल, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। और चिकनी और जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के अवसादों के द्वारा इकट्ठी होती है, परतें बनती हैं मिट्टी की, वो इसके लिए वरदान होती है। इसके बाद है मक्का, मध्य अमेरिका का ये मूल रूप से वाशिंदा है, और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु इसके लिए चाहिए होती है। तापमान इसे चाहिए होता है 21 से लेकर 27 के बीच में, और वर्षा कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, 60 से लेकर 120 सेंटीमीटर। दोमट मिट्टी की आवश्यकता इसमें होती है। ज्वार का जन्म स्थान भारत है, भारत देश का ये मूल रूप से पौधा है। उष्णकटिबंधीय जलवायु इसको चाहिए होती है, टेम्परेचर थोड़ा सा धान से ज़्यादा चाहिए होता है, 27 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तापमान इसको आवश्यकता होती है, 30 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। बाजरे की फसल मूल रूप से अफ्रीका की है, उष्णकटिबंधीय ये भी पौधा है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान चाहिए होता है और करीब वर्षा चाहिए होती है 37 से लेकर 75, बहुत कम पानी में ये जन्म ले लेता है और बहुत कम रखरखाव की भी आवश्यकता होती है, बलुई दोमट मिट्टी इसको चाहिए होती है। गेहूं मध्य एशिया का है और समशीतोष्ण जलवायु इसके लिए अच्छी मानी जाती है, 15 से लेकर 25 के बीच का जो टेम्परेचर है वो चाहिए होता है और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए पर्याप्त होती है। आप जानते हैं पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है वो गेहूं की फसल के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, दोमट मिट्टी इसको चाहिए होती है। एक और है जौ, ठीक, जिसे कि भारत में यव कहा जाता है, संस्कृत में यव कहते हैं। तो ये चीन का मूल रूप से पौधा है, समशीतोष्ण जलवायु में उत्पन्न होता है, बलुई दोमट मिट्टी इसको चाहिए होती है, 60 सेंटीमीटर की औसत वर्षा और 15 से 21 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान चाहिए होता है। अब प्रमुख फसलों के रोग और लक्षण को देख लीजिए, तो एक तरफ फसलें दी हैं, दूसरी तरफ रोग और लक्षण दे रखा है, ठीक है, तो देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले फसल में चावल दिया हुआ है, मतलब धान की बात हो रही है, धान को ब्लास्ट रोग पकड़ता है और इसमें होता क्या है कि भूरे रंग की नाव की तरह के, मतलब लंबे लंबे चकत्ते पत्तियों पर दिखाई देते हैं, लक्षण आपको पता होना चाहिए। गेहूं में रतुआ रोग लगता है, तो पीले भूरे और काले रंग के स्पॉट पड़ जाते हैं, चित्तियां पड़ जाती। गन्ने में जो लाल विगलन जिसे कि आप रेड रॉट कहते हैं, इसमें होता यह है कि छोटे लाल रंग के जो धब्बे हैं वो पत्ती का जो बीच का हिस्सा, जैसे पत्ती आप देखते हैं ना ऐसे होती है, तो उसके बीच वाले पार्ट पे वो प्रकट होते हैं। और गन्ने का जो भीतरी हिस्सा है वो खराब हो जाता है, भीतरी भाग में लाल लाल रंग आ जाता है जो कि उसके रस को और उसकी मिठास को खराब कर देता है। इसके बाद चना है, तो चने में क्या होता है, यहाँ आप देख रहे हैं ये ग्राशी सूट जो है ये भी गन्ने को लगता है। चने में उकठा रोग लग जाता है जिसमें कि पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं। मूल रूप से ये जड़ों को पहले प्रभावित करता है, तो जड़ें जो है वो काली पड़कर गल जाती हैं, जड़ नष्ट हुई तो पौधा नष्ट हो जाएगा। अरहर में तना विगलन यानी स्टेम रॉट लगता है और मिट्टी की सतह के पास तने या भूरे या गहरे भूरे धब्बे बनकर, मतलब तने पर जो भूरे धब्बे हैं या गहरे भूरे धब्बे वो उभर जाते हैं, तना कट जाता है, पौधे नष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से जो पौधों को लगने वाले रोग हैं और उनके लक्षण हैं आपने देखे। अब यहाँ से हम देखेंगे पर्यायवाची शब्दों को, तो कुछ हमने देखा था, कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए, तो सबसे पहला पर्यायवाची क्या है, छुट्टी का है। छुट्टी को हम अवकाश भी कहते हैं, फुर्सत भी कहते हैं, रुखसत भी कहते हैं, विराम भी कहते हैं, विश्राम भी कहते हैं। छूट को हम कटौती, ढील, रियायत, सहूलियत, सुविधा, ये सब कह सकते हैं। जड़ के लिए अचर, अचेतन, निर्जीव, प्राण रहित, स्थावर, ऐसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। जड़ता के लिए अचलता, गतिहीनता, निश्चेष्टता, निष्क्रियता, स्थिरता, ऐसे शब्द हैं। जनक के लिए ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मा, मिथिलापति, मिथिलेश, जनक मतलब ये माता सीता के पिता का नाम है,
तो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा मिथिलापति मिथिलेश ब्रह्मा जी को भी जनक कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जनक मतलब जन्म देने वाला। वाप्ता कहते हैं, विदेह कहते हैं, विदेही कहते हैं, सीता सीता पिता कहते हैं, ठीक। और शिरध्वज भी कहा जाता है, ये शिरध्वज भी नाम। जनेऊ के लिए उपनयन शब्द का इस्तेमाल होता है, उपवीत शब्द का इस्तेमाल होता है, द्विजत्व शब्द का इस्तेमाल होता है, और दीक्षा इसको कहा जाता है, धारण कहा जाता है, विद्यारंभ कहा जाता है, समुपनयन कहा जाता है, उपनयन भी कहते हैं, वो हमने शुरुआत में ही देखा था, वेदारंभ संस्कार ये सब इसको कहते हैं, लेकिन मूल रूप से यज्ञोपवीत कहते हैं। जय के लिए जीत विजय और फतह। जिम्मे के लिए जिम्मा जो शब्द है, उत्तरदायित्व जवाबदेही जिम्मेदारी दायित्व। जीव के लिए चैतन्य ज्ञान माफ कीजिए चैतन्य जान जीवन प्राण और प्राणी। जुगनू के लिए इंद्रगोप, देखिए जुगनू की जो पर्यायवाची है उसमें इसे इंद्रगोप कहा जाता है, इसके अलावा कीटमणि कहा जाता है, खद्योत कहते हैं, चिलमीलिका कहा जाता है, ठीक, जुगनी कहते हैं, और ज्योतिर्बीज कहा जाता है, दीप कृमि कहा जाता है, अच्छा नाम है, ऐसा कृमि या ऐसा कीड़ा जो कि दिया लेकर घूमता हो, और शब्दाब कहा जाता है, और सोनकिरवा भी कहा जाता है, सोने जैसी चमक वाला कीड़ा। और ज्योतिषी को क्या कहते हैं, अबदज्ञ कहते हैं। अबदज्ञ का अब्द मतलब क्या होता है, वर्ष होता है, तो बहुत सारे वर्षों की उसको जानकारी है, बहुत सारे वर्षों का मतलब ये कि आगे जो आने वाले वर्ष हैं उसकी उसे जानकारी है। आगमी कहा जाता है, ईक्षणिक कहा जाता है, कार्यांतिक कहा जाता है, कालज्ञ कहा जाता है, क्रांतदर्शी भी कहा जाता है ज्योतिषी को, गणक कहा जाता है, गणितज्ञ नहीं कह सकते हैं हालांकि इसमें दे रखा है, ज्योतिर्विद, नैमितिक और मौहूर्तिक, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। झंझा इसके लिए कोप चंडवात झक्कड़ तहलका तीव्रकात तूफान प्रकंपन प्रकोप प्रभंजन महावात वाताली वातुल वेगनिक, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। अंबाझोर भी कहा जाता है। इसके बाद है झिझक, अनिर्णय दुविधा संकोच हिचकिचाहट, ये सब शब्द इस्तेमाल होते हैं। झील के लिए अखात कासार खंडाली और जलाशय, डल ताल, डल जो है ये भी झील को ही कहा जाता है, देवखात भी बोलते हैं। झूठ के लिए अनृत असत्य मिथ्या मृषा, मृषा भी कहा जाता है, झूठ जो शब्द है उसके लिए मृषा शब्द भी इस्तेमाल होता है। तांबा के लिए क्या यूज करते हैं, तो तांबा के लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, तांबा हम लोग कहते हैं जैसे तद्भव के तौर पे, ताम्र कहते हैं, ताम्रक कहते हैं, रक्त धातु कहते हैं। तारा के लिए उड़ू उड़गन तारक नक्षत्र सितारा। दंड के लिए डंडा दमन लाठी। और दही के लिए क्षीरज गोरस जामन दधि पयस्या श्रीधन। दायाद के लिए दायाद नहीं है बल्कि दयाद है, कहते हैं ना भाई दयाद है, तो दयाद का मतलब होता है अनुवांशिक, मतलब वो एक ही पीढ़ी में जन्मे इंसान होते हैं। और उत्तराधिकारी को भी कहा जा सकता है, कुटुंबी जो है परिवारजन है उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। सपिंडज को भी कहा जाता है, एक ही पिंड में रहने वाले। इसके बाद डिठौना है, तो डिठौना अर्थात काजल को कहा जाता है, मूल रूप से टीका को कहा जाता है, काला टीका, इसको नजरबट्टू भी कहते हैं, काजल भी कहते हैं, अनख भी कहते हैं। दीपक के लिए गृहमणि ज्योति दीप दिया प्रदीप, ये सब शब्द इस्तेमाल होते हैं। और दीमक के लिए वम्र वमरी वल्मीक वामी सीमिका, ये सारे शब्द हैं। दुर्ग के लिए आश्रय स्थल कूट कोट कोट्टयम किला गढ़पुर हिसार, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। देवदारू के लिए अमर दारू तारपीन दयार दारू देवकाष्ठ परिभद्र महादारू शकद्रुम और सुरद्रुम स्नेह वृक्ष, ये सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। द्वारका के लिए कुशस्थली द्वारकाधीशपुरी द्वारकापुरी द्वारावती, ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब ये सब इसके पर्यायवाची हैं। धतूरे के लिए उन्मत्तक कनक घंटा पुष्प, और घंटा पुष्प आप देखते हैं ना उसका जो पौधे का फूल होता है वो कैसा होता है, देखने में लाउड स्पीकर जैसी शक्ल होती है, या फिर आप उसे उल्टा कर दें तो घंटी जैसा दिखाई देता है, इसलिए कहते हैं घंटा पुष्प। इसके अतिरिक्त उसे तूरी कहा जाता है, धतूरक और महामोही भी कहते हैं, और महाशठ और शिवप्री कहा जाता है, भगवान शिव को पसंद है। धर्म के लिए कर्तव्य पुण्य सत्कर्म सुकृति पंथ मर्ग मत मार्ग संप्रदाय, ये सब शब्द इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मूल रूप से धर्म का शाब्दिक अर्थ है कर्तव्य। करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ व्यक्तियों का निधन हो गया है और वो किस क्षेत्र से संबंधित थे उनके बारे में कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन वो सब देख लीजिए। तो भीम बहादुर गुरुंग इनका नाम सबसे पहले है, ये सिक्किम के पूर्व तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे, ये इनकी विशेषता है। इसके बाद एम विजयन, इनका भी देहावसान हुआ, भारत के प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी के नींव रखने वाले ये प्रमुख जीव वैज्ञानिक थे, ये इनकी विशेषता है, ध्यान दीजिएगा इनका संबंध किससे है, प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी से है। और ये भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके थे, ये इनकी विशेषता है। इसके बाद एल्विरा ब्रिटो का नाम आप देखें, ये भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान, और अर्जुन पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था 1965 में, दूसरी इस प्रकार की अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये महिला हॉकी खिलाड़ी। वीना पाणी मोहंती, इनका देहावसान हुआ, ओडिशा के प्रख्यात लेखिका और वर्ष 2020 की पद्मश्री पुरस्कार विजेता है, ठीक है। इन्होंने उड़िया लेखिका संसद, ये आप यहाँ देख रहे हैं, इस नाम से उड़िया महिला लेखकों के एक संगठन की स्थापना की थी। अब यहाँ पर कुछ योजना समिति और अभियानों के नाम दे रखे हैं, किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है वो दिया है, टिप्पणी दी है, उद्देश्य दिया है। तो सबसे पहले जल शक्ति अभियान को आप देखिए, ये कैच द रेन कैंपेन के नाम से यहाँ लॉन्चिंग हुई थी 2022 वाली, मणिपुर सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन,
ये शुरुआत इसकी होती है 29 मार्च 2022 को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के द्वारा। ये अभियान 30 नवंबर 2022 तक चलेगा, ठीक। और कैच द रेन अभियान जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन इसके द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, यानी पूरे देश भर में चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ साथ जलवायु परिवर्तनों में उपमृदा स्तर के लिए एक जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको निर्मित करने हेतु जितने भी राज्य हैं, मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं, उनको प्रोत्साहित करना और प्रेरित करना, साथ में जो हितधारक हैं उनको जोड़ना, ये इसका उद्देश्य है। और इसका विषय क्या था? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ठीक। वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, मतलब जहां भी ये गिरता है, जब भी गिरता है, इसे कैच करो। जो वर्षा का जल है वो क्या है? कीमती। इसके बाद आप एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को देख रहे हैं। ये भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था। दक्षिण मध्य रेलवे ने अप्रैल 2022 में अपने सभी 6 मंडलों में 6 प्रमुख स्टेशनों पर इस पहल को शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है? रेलवे स्टेशनों में स्थानीय उत्पादों की बिक्री और प्रचार को बढ़ावा देना। इसके बाद अमेजन संभव उद्यमिता चैलेंज है 2022 का। अमेजन इंडिया के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अमेजन इंडिया ने 31 मार्च 2022 को स्टार्टअप्स के लिए अमेजन संभव उद्यमिता चैलेंज 2022 को लॉन्च करने की घोषणा की। मेक इन इंडिया थीम के आसपास डिजाइन की गई यह पहल देश के किसी भी भाग के स्टार्टअप्स को अपने बिजनेस, यानी जो प्रस्ताव पहल है, उसको प्रदर्शित करने का अवसर देगी। तो ये इसका नाम है। उद्देश्य यह है कि भारतीय शहरों में स्टार्टअप की शुरुआत करना और देश के जो सबसे गहन इलाके हैं वहाँ जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देना, ये इसका टारगेट है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को देख लीजिए, ये नीति आयोग की है। 21 अप्रैल 2022 को एक मसौदा नीति जारी की जाती है जिसका नाम था बैटरी स्वैपिंग। और इस नीति में है क्या? तो देश के 40 लाख से अधिक जो आबादी वाले सभी महानगरीय शहर हैं, 40 लाख से ज़्यादा आबादी जिन शहरों की है, वहाँ भी पहले चरण के तहत बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास की प्राथमिकता दी जाएगी। उद्देश्य है बैटरी स्वैपिंग को अपनाने में सहायता देना और विशेष रूप से इस जो बैटरी स्वैपिंग सिस्टम होते हैं, जो कि तिपहिया इलेक्ट्रिकल रिक्शा और इलेक्ट्रिकल स्कूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें ये काम करेगी। दुबई एक्सपो में तेजस कौशल प्रशिक्षण परियोजना का शुभारंभ हुआ। युवा कार्य और खेल मंत्रालय इसको लॉन्च किया, मतलब इसका सौजन्यकर्ता। 27 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने दुबई में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कौशल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परियोजना जिसका नाम था तेजस, अमीरात में नौकरियों और कौशल के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो दिया हुआ है। तो इसका नाम क्या है? अमीरात में नौकरियों और कौशल के लिए प्रशिक्षण, इसका शुभारंभ किया। शुभारंभ कब हुआ था? ये 27 मार्च 2021 की तारीख है। मंत्रालय का नाम आप याद रखेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य था भारतीयों को कुशल बनाना, पहला उद्देश्य, और साथ में सर्टिफिकेट देना और विदेश में रोजगार प्राप्त करने में सुविधा उपलब्ध कराना या रोजगार देना। तेजस का लक्ष्य प्रारंभिक चरण के दौरान संयुक्त अरब अमीरात में 10,000 लोगों का मजबूत भारतीय श्रम बल तैयार करना है। इसके बाद अगला नंबर आता है अवसर योजना का, जो कि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के द्वारा शुरू की गई। 8 अप्रैल 2022 को स्वयं सहायता समूह, यानी जो SHG होते हैं, उनके स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अवसर परियोजना को शुरू किया गया। अवसर योजना एयरपोर्ट इज वेन्यू फॉर, यहाँ आप देख रहे हैं, वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन, ये इसका संक्षिप्त नाम यहाँ पे दिया हुआ है, अवसर, ठीक। अवसर क्या है? ये शॉर्टकट है। पूरा नाम क्या है? यहाँ आपने देखा एयरपोर्ट इज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन, शॉर्टकट में अवसर, तो इसी का ये पूरा नाम दे रखा है। और इसे शुरू करने वाला जो संस्था है या संस्थान है वो भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण है। अब देखिए, अवसर योजना के तहत प्रत्येक भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण संचालित हवाई अड्डे पर स्वयं सहायता समूहों को एक क्षेत्र आवंटित किया जाएगा और क्षेत्र का दायरा कितना होगा? 100 से लेकर 200 वर्ग फुट, ध्यान दीजिएगा। अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ नंबर दिए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। आगे शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ भारत पाक की सीमा पर जो दर्शन परियोजना चली है वो क्या चीज़ है? तो पहले तो इसको शुरू करने वाला जो मंत्रालय है वो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्रालय है। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री यानी अमित शाह जी जो है, इन्होंने गुजरात का जो बनासकांठा जिला है वहाँ पर भारत पाकिस्तान की सीमा पर नडापेट में सीमा दर्शन योजना का उद्घाटन किया। अब इस योजना का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो योजना का उद्देश्य यह है कि नागरिकों को हमारी सीमा पर जो BSF कर्मचारी हैं उनके जीवन और कार्य का निरीक्षण करने का अवसर दिया जाए ताकि वो उनसे इंटरेक्ट हो सके, जुड़ सके, और पर्यटक जो है वो मिसाइलों, टैंकों और जो विमान है उनको देख सके। इसका उपयोग भारतीय सेना और BSF द्वारा नादाबेट में किया जाता है। हालांकि इस तरह से एक्सपोज करना बहुत ठीक भी नहीं है। भारतीय नागरिकों के लिए हो तो ठीक हो, लेकिन सीमा जो होती है ना, मतलब ऐसे बॉर्डर जो कि संवेदनशील है, वहाँ बहुत सारे भेदिये भी होते हैं जो कि इस पार से उस पार आग लगाने का काम करते हैं। तो इस तरह के लोगों को बस यही चाहिए होता है कि कुछ सीक्रेट मिले और उधर पहुंचाएं। इसके बाद आप देख रहे हैं राइजिंग और एसिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस कार्यक्रम है। राइजिंग एंड एसिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, जिसे कि रैंप कहा जाता है शॉर्टकट में, केंद्रीय मंत्रिमंडल इसको लॉन्च करता है 30 मार्च 2022 को, मंजूरी दे दी जाती है। ये एक नई योजना है और इसको जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 वाला, उसमें शुरू किया गया, ठीक। इसके बाद यहां आप देख रहे हैं MBP MJ, ये सेहत योजना कही जाती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर इसका दायरा है और यहाँ का जो सांबा जिला है,
मतलब जम्मू संभाग में पड़ता है सांबा जिला, वहां पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत मतलब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसके अंतर्गत सेहत योजना के तहत घरों को कवर करने वाला भारत का ये पहला जिला बन गया है। कौन सा जिला है ये? सांबा जिला है। और सांस अभियान ये कर्नाटक का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय, उसके द्वारा शुरू किया गया है। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। तो ये चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय है और इसके मंत्री हैं के सुधाकर। इन्होंने 20 अप्रैल 2022 को इसको लॉन्च किया। सांस का फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक, तो निमोनिया को इसमें न्यूट्रल करना ये टारगेट है और ज़्यादातर कम उम्र के बच्चों को ये ज़्यादा प्रभावित करता है, तो उसकी पहचान करके उसके प्रति जागरूकता फैलाना ये उद्देश्य है। इसके बाद दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे के लिए प्रतिपूरक वनीकरण और अन्य जो शमन उपाय हैं उनकी निगरानी के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के द्वारा स्वतंत्र 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया और भारत को 4 यूएन इकोसॉक निकायों यानी 2022 में चुना गया, मतलब इसे ECSOC कहा जाता है। तो इसके 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया, जिसमें कि विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग भी शामिल किया गया है। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों की समिति के लिए, जो यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, तो इसके समिति के लिए जो राजदूत है प्रीति सरन, उनको फिर से चुना गया है। 4 निकाय के लिए जो चुना गया है, तो इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति है, सामाजिक विकास आयोग है, गैर सरकारी संगठनों पर समिति है और विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग है। इसके बाद है मिशन वात्सल्य, तो ये केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल है और इस योजना के लिए अपने मसौदे को यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनमें बांट दिया गया है। कुल मिलाकर सुझाव मांगे गए थे 18 अप्रैल 2022 तक, उनसे सुझाव मांगे गए थे, उसके बाद इसे क्रियान्वित किया गया। मिशन वात्सल्य, इसका उद्देश्य क्या है? तो नाम से पता चलता है कि ये बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो बच्चों के लिए एक, भारत के प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, ये इसका टारगेट। स्टैंड अप इंडिया योजना वित्त मंत्रालय की है, 5 अप्रैल 2016 को इसको शुरू किया गया था, कोई नई स्कीम नहीं है, लेकिन नई बात यह है कि इसने 6 साल पूरे किए हैं 2022 में, और इसका उद्देश्य था महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनकी उद्यमिता को बढ़ाना, वो ज़्यादा रोजगार में संलग्न हो और स्वरोजगार उत्पन्न करें, इसको यहाँ बढ़ाने का उद्देश्य था। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि विनिर्माण सेवा या व्यापार क्षेत्र, कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों के क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करना। स्वनिधि से समृद्धि का दूसरा चरण जो है ये शुरू हुआ है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों में ये स्वनिधि से समृद्धि का विस्तार किया गया है। कार्यक्रम का कार्यान्वयन जो है ये भारतीय गुणवत्ता परिषद कर रही है। स्वनिधि से समृद्धि कवरेज लगभग 125 शहरों से 35 लाख रेहड़ी पटरी वाले जो हैं, मतलब जो पटरी पर रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं, उनके परिवारों को पहले चरण में ये शुरू किया गया था। मतलब पहला चरण इसका शुरू होता था 4 जनवरी 2021 को और उसमें इन्हें शामिल किया गया था। और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 20 लाख योजना स्वीकृतियों के कुल उद्देश्य के साथ चरण दो का लक्ष्य ये 28 लाख रेहड़ी पटरी वालों को, उनके परिवारों को शामिल करना ये रखा गया है। तो नया उद्देश्य क्या है कि इसमें 28 लाख लोग जो हैं वो शामिल किए जाएंगे सपरिवार, और शेष शहरों को समय के साथ कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ाया जाता है दायरा। उद्देश्य यह है कि महानगरीय क्षेत्रों में जो 50 लाख से अधिक स्ट्रीट सेलर्स हैं उनकी सहायता करना, उन्हें सही जीवन शैली उपलब्ध कराना, और 24 मार्च 2020 को या उससे पहले वो वेंडिंग का काम कर रहे थे, और प्रतिवर्ष 1200 रुपये और कैशबैक प्रोत्साहन पेशकश जो है वो उनके लिए डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के लिए साथ में चलाई जाएगी। 2 और मिशन है सरकार के द्वारा। एक तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट है, गुजरात सरकार का है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और विश्व बैंक गुजरात के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के लिए ये 7,500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो ये एक सूचना है। और परियोजना का उद्देश्य क्या है? राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना। स्कूल चलो अभियान ये उत्तर प्रदेश सरकार का है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 4 अप्रैल 2022 को श्रावस्ती जिले का जो जयचंदपुरा कटघरा वहां पे उच्च प्राथमिक विद्यालय से स्कूल चलो अभियान को लॉन्च किया था। डेट आप याद रखेंगे। इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन को सुनिश्चित कराया जाए। तो यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है। इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।